नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सीसीटीवी के रियल टाइम की होगी मॉनिटरिंग, सभी थानों में की जाएगी कैमरों की मॉनिटरिंग। गृह विभाग की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। क्लास ड्रॉप करने पर अब नहीं बच पाएंगे बच्चे, अभिभावक के पास सीधे चला जाएगा मैसेज। 75% उपस्थिति के लिए उठाया गया बड़ा कदम। बिहार में मौसम में 3 दिनों तक स्थिरता, पछुआ हवा से मौसम रहेगा खुशनुमा। दीपावली और छठ महापर्व पर बढ़ सकती है ठंड। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को मिली हरी झंडी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिखाई हरी झंडी। 11 से 20 नवंबर तक चलेगा प्रतियोगिता। और 43 साल के हुए क्रिकेटर गौतम गंभीर कई मैचों में टीम इंडिया को दिलाई जीत। जन्मदिन पर जानेंगे इस खिलाड़ी के नाम दर्ज कई रिकॉर्ड्स। अब खबरें विस्तार से। बिहार के भागलपुर सहित सभी जिलों के थानों में सीसीटीवी की रियल टाइम मॉनिटरिंग की तैयारी की जा रही है। गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस योजना पर चर्चा की गई। बैठक में एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। सभी थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम की स्थापना की जाएगी। सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी और परमंडलीय आयुक्त को इस प्रणाली के लिए आवश्यक प्रक्रिया और प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के वित्त संपोषित डिग्री कॉलेजों को जल्द ही बकाया अनुदान मिल सकता है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे मंत्री के सहमति के बाद लोक वित्त समिति को भेजा जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद अनुदान जारी किया जाएगा। 2014-17 से अनुदान नहीं मिलने के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों में खुशी की लहर है। बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए 230 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है, जिससे लगभग 10,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने इसे त्यौहार का तोहफा माना है। हालांकि विश्वविद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की गई है। मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस में ट्रेन हादसे के बाद यात्रियों को सुरक्षित दरभंगा पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चली। आज सुबह बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस दरभंगा जंक्शन पर पहुंची। डरे सहमे यात्रियों ने ट्रेन हादसे की पूरी कहानी सुनाई, साथ ही भगवान को जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद रेलवे, तमिलनाडु प्रशासन और स्थानीय लोगों ने उन्हें हर संभव मदद प्रदान की। आपको याद दिला दें कि यह हादसा शुक्रवार को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिला के कौरापेट्टई रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जब बागमती एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस दुर्घटना में ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे 19 लोग घायल हुए थे। पटना नगर निगम ने 26,000 ऐसे फ्लैट्स की पहचान की है जिनका अब तक कोई संपत्ति कर और होल्डिंग टैक्स निर्धारण नहीं हुआ है। बता दें, पटना नगर प्रशासन ने बीते 26 अगस्त को इसके लिए नोटिस भेजा था और फ्लैट मालिकों को इसके लिए 31 सितंबर तक का समय भी दिया गया था। ऐसे में जिन लोगों ने इस तिथि तक टैक्स जमा नहीं किया है, उन पर अब 100% तक जुर्माना राशि वसूलने की तैयारी है। नगर निगम ने संपत्ति कर संग्रहण और नए संपत्ति कर निर्धारण के लिए ऑन स्पॉट सेवाएं भी शुरू की है। लोग ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर अपनी संपत्ति का कर का भुगतान कर सकते हैं। विज्ञान प्राविधिकी एवं तकनीक शिक्षा विभाग ने एक नई पहल की है। अब सभी संस्थानों में कक्षाएं छोड़ने वाले छात्रों के अभिभावक को तुरंत संदेश भेजा जाएगा। ये व्यवस्था खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो समय पर क्लास में नहीं पहुंचते हैं। इस नए ऐप की मदद से जैसे ही कोई छात्र कक्षा में अनुपस्थित रहेगा, उसके अभिभावक को तुरंत सूचना मिल जाएगी। और अगर कोई छात्र 3 दिन लगातार क्लास नहीं आता, तो उसे अपने अभिभावक से आवेदन पर हस्ताक्षर कराना होगा, जिसमें अनुपस्थिति का कारण भी बताना अनिवार्य होगा। बता दें, ये कदम राज्य सरकार ने इसलिए उठाया है ताकि सभी छात्रों की उपस्थिति 75% से कम नहीं हो। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर को आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। बता दें, बिहार में पहली बार महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है, जो 11 से 20 नवंबर तक चलेगा। इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के खिलाड़ी भी भाग लेंगे। बता दें कि महिला हॉकी चैंपियनशिप का टैगलाइन दिया गया है, हॉकी का पर्व, बिहार का गर्व। इस टैगलाइन के साथ ट्रॉफी पहले हरियाणा, पंजाब, ओडिशा और झारखंड में घूमेगा। उसके बाद 19 अक्टूबर को बिहार लाया जाएगा। फिर बिहार के 38 जिलों में ये ट्रॉफी जाएगी।
अब चलिए बात कर लेते हैं बिहार के पहले 6-लेन पुल की, जो मोकामा के औटा और बेगूसराय के सिमरिया को गंगा नदी पर जोड़ने के लिए बन रहा है। बता दें, इस पुल का निर्माण तेजी से चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वर्ष अप्रैल में ये जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस पुल की लंबाई 1.86 किलोमीटर है, साथ ही इसमें दोनों तरफ 3015 मीटर लंबे 6 लेन और 3275 मीटर के 4 लेन अप्रोच का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि निर्माण में कुछ देरी हुई है, पहले इसे दिसंबर में चालू करने की योजना थी, लेकिन हाल की बाढ़ के कारण कार्य ठप हो गया। अब संभावना है कि अप्रैल में ही गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सकेगी। अप्रोच में एक रेलवे ओवरब्रिज और 2 रेलवे अंडरब्रिज भी शामिल है। एक स्टील गर्डर तैयार हो चुका है, जबकि दूसरे का असेंबल कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। बिहार में मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। निचले इलाकों में पश्चिमी हवा अब ऊंचाई पर बढ़ रही है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना जताई गई है। आसमान साफ रहने के कारण तेज धूप और हल्की गर्मी का अनुभव हो सकता है, लेकिन बीच बीच में बादलों की आवाजाही राहत प्रदान करेगी। पछुआ हवा 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने से मौसम और भी खुशनुमा होगा। मौसम विभाग ने बताया कि दीपावली और महापर्व के आसपास ठंड बढ़ने की संभावना है। बिहार सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है, जिनमें विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक शामिल होंगे। इन नियुक्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। इसी बीच बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सरकारी शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किया है। इसके तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आवासीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो जनवरी फरवरी में होगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शिक्षक को 50 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा और कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को प्रतिदिन ₹500 का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। ये प्रशिक्षण समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार ने 32.20 करोड़ रुपए का फंड प्रदान किया है। वर्ष 2024-25 सत्र में बिहार समेत देश के 8 राज्यों में 30 नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जिसमें बिहार का एक कॉलेज भी शामिल है। बिहार में डॉक्टर प्रकाश चंद्र आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेला पटना को 60 BMS सीटों की मान्यता मिल गई है। MP के स्कूल ऑफ आयुर्वेदा साइंस रायसेन, NRI इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज भोपाल और अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा देवास में 100-100 BMS सीटों की मान्यता मिली है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 14, गुजरात में 3, उत्तर प्रदेश में 4, कर्नाटक में 3 और हरियाणा तथा उत्तराखंड में 1-1 स्नातक UG आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को भी मान्यता प्रदान की गई है। आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार का उद्देश्य आयुर्वेद को चिकित्सा की मुख्य धारा में लाना है। बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना के तहत चयनित 40,000 लाभुकों को पहली किस्त के रूप में ₹50,000 पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं। अब इन लाभुकों को अपनी पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। उद्योग विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 1-2 दिनों में एक आधिकारिक पोर्टल खोला जाएगा, जहाँ लाभुकों को अपने उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। ये प्रक्रिया जरूरी है, क्योंकि प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही उन्हें योजना की दूसरी किस्त मिलेगी, जो कि 1.5 लाख रुपए की है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। राज्य में ऐसे करीब 94 लाख परिवारों की पहचान की गई है। बिहार में फर्जी कंपनियों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। केंद्रीय GST विभाग ने 200 से अधिक संदिग्ध कंपनियों की पहचान की है, जिनके खिलाफ जांच जारी है। बता दें कि इस वर्ष कई कंपनियों का निबंधन रद्द किया जा चुका है और अब GST विभाग एक बड़े अभियान की तैयारी में है। गया, औरंगाबाद, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे जिलों में तेजी से जाँच चल रही है। अगस्त में DGGI ने मुजफ्फरपुर के अहियापुर मंडी से स्क्रैप के व्यापारी प्रेम सुंदर चौधरी को गिरफ्तार किया, जो इस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसकी जांच से जुड़े बड़े लिंक भी सामने आए हैं।
बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान यानी बिपार्ट ने AI पर आधारित ट्रेनिंग मॉड्यूल की शुरुआत की है, जिससे बिहार के अधिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सहारे शासन प्रशासन के गुर सीखेंगे। ट्रेनिंग मॉड्यूल में बिहार नेक्स्ट जैन लैब नीतिशाला और विकसित चिंतन कक्ष जोड़ा गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को नई तकनीक के माध्यम से बेहतर शासन और नीति निर्माण में सक्षम बनाना है। बिहार नेक्स्ट जैन लैब में अधिकारियों को सुरक्षित डेटा हैंडलिंग और शासन में AI के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पटना नगर निगम ने महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पटना के भीड़भाड़ वाले इलाके में पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि पिंक टॉयलेट को लोग मोबाइल टॉयलेट के नाम से भी जानेंगे। इस पिंक टॉयलेट की विशेषता ये होगी कि इसे सिर्फ महिलाएं ही संचालन करेंगी, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को स्वच्छता और सुरक्षा का अनुभव मिलेगा। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। नगर निगम ने हाल ही में 2 पिंक टॉयलेट का निर्माण किया है। ये टॉयलेट पुरानी गाड़ियों को नया रूप देकर बनाया जाएगा। साथ ही अब नगर निगम ने ये भी घोषणा की है कि सभी अंचल में 1-1 पिंक टॉयलेट छठ पूजा से पहले उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि त्योहारों के समय महिलाओं को कोई परेशानी न हो। अब बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट के एक महान सितारे की, जो आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व विस्फोटक ओपनर और मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट में अपने करियर के दौरान कई यादगार लम्हे दिए हैं। उन्होंने न केवल 2007 T20 विश्व कप बल्कि 2011 वनडे विश्व कप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंभीर का क्रिकेट करियर बहुत ही शानदार रहा। गौतम गंभीर ने लगातार 5 टेस्ट मैचों में शतक जड़ने का कमाल दिखाया, जो एक अनोखा रिकॉर्ड है। उन्होंने ये उपलब्धि 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान हासिल की। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, कामेश्वर सिंह, रंजीत मिश्रा, नौशाद रजा, सादुल्ला पलवी, धर्मेंद्र कुमार, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, मोहम्मद शाद, बिट्टू कुमार, मुन्ना कुमार, जितेंद्र ठाकुर, बुद्धन कुमार, राकेश मिश्रा, सपना कुमारी, रामबाबू दास, अबोध गिरी, शेखर आशुतोष कुमार, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आप कृषि करते हैं? अगर हाँ तो कौन सी फसलें आप उगाते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।